How are you all doing? This is me, Mamdasar Seva, once again with all of you. और आज मैं हूँ मैनचेस्टर यूके में. बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है. समर सीजन चल रहा है. आपको थोड़ी सी कल मैंने रूम की वीडियो भी दिखा दी और जो कल रात को हुआ उसके बारे में भी डिस्कस कर दिया. मेरे साथ एक लड़की आई हुई है प्रियंका. शी इज फ्रॉम दिल्ली एंड शी हैज वर्क फॉर स्पाइस जेट. तो मेरा मन था कि वो अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करे ताकि हम सबको कुछ उससे सीखने को मिले कि उसने कैसे अप्लाई करा, कैसे उसको जॉब मिली, क्या प्रोसीजर्स होते हैं. क्योंकि मैंने इंडिया में डोमेस्टिक एयरलाइन में कभी काम नहीं किया है. सो आई एम श्योर शी इज मे बी गन हेल्प अस, यू नो, अगर कुछ शेयर करेगी तो. बट द ओनली थिंग इज शी इज कैमरा शाय. तो मुझे उसको कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लग रहा है. बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि किसी तरह से भी कैजुअली उससे थोड़ी टॉक की जाए. तो इसलिए मैंने प्लान बनाया कि अभी हम बाहर जाएंगे, थोड़ा सा फ्रेश एयर होगी तो आई विल नॉट बी लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू नो, विद हर. तो थोड़ा कॉन्शियस कम फील करेगी. तो मैं वॉक करते करते मैनचेस्टर की सिटी आपको दिखाते दिखाते कोशिश करूंगी कि जितना भी हो सके स्पाइस जेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रियंका के थ्रू आपको जरूर मिले कि कैसे अप्लाई करते हैं, कैसा माहौल होता है, किस तरह से वहां की जॉब होती है, डोमेस्टिक एयरलाइंस में कैसा होता है. तो कुछ एक जो भी फैक्ट्स मैं आपके लिए कलेक्ट कर पाऊंगी आज डेफिनेटली करूंगी. तो चलिए आज घूमते हैं मैनचेस्टर और साथ में मिलते हैं प्रियंका से. प्रियंका इज रेडी. उसका फोन आ गया है. बाहर आई थिंक मौसम ठीक ही लग रहा है तो बिना स्वेटर के भी चल जाएगा. गाइज डोंट माइंड, मेरे बाल थोड़े से चिपके चिपके से हैं, मेरा वॉश करने का मन नहीं था. सो लेट्स जस्ट गो. डीएनडी लगाना नहीं भूलना होता. डू नॉट डिस्टर्ब. प्रियंका का रूम था इस तरफ एंड आई थिंक शी इज ऑलरेडी बाय द लिफ्ट. नो शी इज नॉट. लेट मी नॉक एट हर डोर. देयर शी इज. अच्छी लग रही है. कूल. आ जा. सब ले लिया फोन वोन? चलो लेट्स गो. ये होटल ना वो पुराना ऑथेंटिक टाइप का जैसे डरावना होता है. मैं कल ही अपने ब्लॉग में बोल रही थी कि भूत बंगला टाइप है. और रात को तूने जब स्टोरी सुनाई ना तो मुझे लग रहा है क्या रह गया. अभी भूल गई कुछ? क्या रह गया? अच्छा जल्दी आ जा. कुछ भूल गई अपने कमरे में, मे बी कार्ड और पैसे या कुछ ऐसा. शी इज कमिंग बैक. मैं कह रही थी ये होटल जो है ना बहुत ही पुराने स्टाइल का बना हुआ है. बहुत ही पता नहीं कितने सालों पुराना होटल है. इसमें क्या है सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है तो जब अपना बैग वैग लाओ ना तो सीढ़ियों के ऊपर से घसीट के लाना पड़ता है. लाइक लिफ्ट आपके रूम तक नहीं जाती. अभी यहाँ से निकल के आए ये लिफ्ट लेके हम दूसरे फ्लोर पर जाएंगे, वहाँ से फिर वॉक करेंगे, कुछ सीढ़ियाँ उतरेंगे, फिर दूसरी लिफ्ट लेंगे. तो इस तरह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होटल है ये. लॉबी बहुत सुंदर है. सो आई जस्ट थॉट ऑफ शोइंग यू गाइस. सी घोड़ा बीच में बहुत ही अच्छा लग रहा. काफी बहुत ही अनयूजुअल सा है, कभी देखा नहीं ऐसा मैंने. कुछ पड़ा है हमारे लिए वहाँ पे, हटा दिया. अभी कुछ नहीं होता इस टाइम पे ना. ओके यहाँ से शायद मैंने एक बार तो देखे हैं, शायद देखे हैं मैंने एक बार तो. चलो विल हैव टू फर्स्ट उसी स्ट्रीट पे चलते हैं. पाउंड लाइन भी खुल गया होगा, दूसरी चक्कर मारेंगे, ट्राइंग ऑफ एक चक्कर मारेंगे. ठीक है चलेगा. और खाने के लिए कोई आइडियाज क्या खाना? कुछ भी है ना. चलो क्योंकि मैंने तो कल रात को भी खाना नहीं खाया. पीपल वी आर इन हियर इन मैनचेस्टर टुडे एंड आई फाउंड दिस लवली गर्ल एंड लुक एट देयर स्टाइल. ओएमजी. आहा. This on, yeah, when they were getting married. This is the scene behind it, you know. And now it's all over the world. People are, you know, like designing and having this. Look at this, yeah. Yes. Ooh, so pretty. Awesome. You look lovely. If I was single, I was definitely a lesbian. And look at that one as well. This style, I really love it, yeah. You so you chose a little bit different, yeah. Amazing. And look at you. Amazing. Why you high flyer? Yeah, she looks awesome as well. Guys, don't be shy. I love it. We are shy usually. Oh, you guys are not, no, yeah? No, this is awesome. And your friends? What's say hi, guys. Hola. What's up? And Priyanka is running away.
Guys, my name is Mamta. I'm a vlogger from India. And yeah, nice to meet you. Nice to meet you. I love Manchester. I love you guys. Bye, girl. Have a good day. Amazing. Bye. अभी हम एक स्ट्रीट के ऊपर पहुंचे हैं. यहाँ पे बहुत सारा खाना, कपकेक्स एंड यू नो पेस्ट्रीज एंड और कई तरह का खाना है हमारे आसपास. लेकिन हमारी समझ का खाना यहाँ पे मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज मैनचेस्टर मार्केट, हंगरी कंफ्यूज बर्गर, ग्रिल चीज़, चीज़ मैं खाती नहीं हूँ. और बर्गर सुबह सुबह कौन खाता है यार. तो यहाँ पे एक वॉफल शॉप मुझे नज़र आई है, क्रिएट योर ओन वॉफल्स. और ये कुछ क्रेप्स वगैरह है, मुझे पसंद है, बट नोबडी इज़ एट द शॉप. कहाँ गई मेरी छोरी, भाग गई क्या कैमरा ऑन देखकर? कहाँ गई? मैं तुझे ढूंढ रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ तुझे, कहाँ भाग गई? ये अच्छे लग रहे हैं ना, पर मैं खाती नहीं हूँ ऐसे कपकेक्स. अच्छे हैं, दे लुक कूल, वेरी स्वीट. जिसका स्वीट टूथ है वो तो पूरे का पूरा उठा के खा जाएगा. आ जाओ, भागो भागो भागो. दिस इज सो कूल यार. कम, लास्ट टाइम मैंने इसके पास वीडियो नहीं बनाई थी, तो इसकी वीडियो आज बनाती हूँ. यहाँ पे पंजाबी में फुआरे चल रहे ने, फुआरे चल रहे थे, फुआरे पानी के फुआरे चल रहे ने. देखो जी, कूला सिटी सेंटर के बीच में पानी का शोर हो, आसपास इतने लोग बैठे हुए हैं, कूल यू नो चिल आउट मार रहे हैं. मैं आपको दिखाती हूँ, देखो जिंदगी में जैसे किसी की कोई गर्मी नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है. यू नो भाई, छोटे छोटे पेट्स भी हैं भाई, देखो छोटे छोटे पपीज भी हैं. सो कूल. खाना खाना खाना. हम हिंदुस्तानी खाने को लेके ज़्यादा पिकी रहते हैं वैसे, पता है तुझे? तू है पिकी? मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ. मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए ज़्यादा पिकी हूँ, क्योंकि वेजिटेरियन खाना मुझे मिलता ही नहीं है. वेजिटेरियन के नाम पे फ्रेंच फ्राइज, पिज्ज़ा, पास्ता, बस यही खा रही होती हूँ. ये तो बता रही थी ना, यहाँ पे फ्रूट आपको बहुत सस्ता मिल जाता है. लुक, ये वन पाउंड में स्ट्रॉबेरीज हैं और भी कई तरह का फ्रूट है, वन पाउंड में मिल जाता है, विच इज़ वेरी चीप. हाय, अस्सलाम वालेकुम. गुड गुड, थैंक यू. ये लाइक अ छोटी सी शॉपिंग स्ट्रीट बना रखी है इन्होंने, सो कूल. अमेजिंग. किसको शॉपिंग करनी है वो कर लो, कुछ देखना है देख लो, पानी के पास बैठ जाओ, खाना खाना है तो रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग है. और वेदर तो ऑसम है, ना ठंड है ना गर्मी है, तो इट्स लाइक ऑसम. ठीक है, ये डेवेनम्स में मैंने भी अभी कुछ बूट्स से सामान खरीदा है, सम लिपस्टिक्स एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऑफर्स होते हैं. सो आई गॉट लाइक 2+1, दो लिपस्टिक्स के साथ मुझे एक प्रोडक्ट कोई भी फ्री ले सकते हो आप, लाइक 30% डिस्काउंट. आई गॉट सम स्टफ. या सो अभी मैं खा रही हूँ कुछ, क्योंकि शी वॉन्टेड टू शॉप बट मुझे भूख लगी थी, सो आई केम टू दिस शॉप एंड ही इज़ मेकिंग फ्राइड फॉर मी विद निटाला एंड सम बनाना. आई मिस इट इन अबू धाबी, यू नो ये खुशबू और ये सब चीज़ें वहाँ रोड साइड नहीं मिलती, तो आई मिस इट मोर चॉकलेट. जैसे मैं खाती हूँ, बट दैट्स ओके, आई ट्राई दिस एंड इसके बाद कुछ सब्सटेंशियल भी खा लेंगे. दिस इज लाइक अ छोटा सा बाइट आई एम हैविंग, बिकॉज मुझे मीठा पसंद है. देन आई वाज लाइक खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, खा ही लेते हैं यार, कोई बात नहीं, वेट फिर कम कर लेंगे. अभी बेंच ढूंढ रही हूँ बैठने के लिए, ये जगह है बीच में, थोड़ा सा डॉमिनेट कर लेती हूँ अपने आप को. उसने बहुत ही ढीला ढीला सा बना के दिया है क्रेप्स. Let me finish this. Just finished having crepes. Actually, सच बात बताऊँ तो मुझे पसंद नहीं आए, बहुत ज़्यादा मेस हो गई, क्योंकि he cooked it from both sides और उसने इसको क्रिस्पी नहीं बना के दिया. मुझे क्रिस्पी थोड़े से क्रंची क्रेप्स पसंद हैं. तो anyways, अभी फिलहाल तो थोड़ा सा फुल फील कर रही हूँ मैं, थ्रो इट अवे. और इस स्ट्रीट पे क्या है, मैंने शायद आपको पहले भी थोड़ा सा दिखाया था, तब क्रिसमस का टाइम था, पर हमेशा कुछ ना कुछ एक्साइटिंग तो नज़र आ ही जाता है. इट्स वीकेंड
और इस तरह से रोड साइड पे कोई ना कोई अपना टैलेंट दिखाने के लिए कुछ ना कुछ यू नो सेटअप करता है. पीपल जस्ट प्ले म्यूजिक, देन देयर विल बी अ क्राउड, देखेंगे जिसको पसंद आएगा दे विल यू नो गिव देम अ पाउंड और समथिंग. उसके अलावा बस शॉपिंग है, बहुत सारे लोग हैं और थोड़ा सा कुछ खा लिया फिलहाल. ऊपर जाके फूड कोर्ट है जिसमें लास्ट टाइम गई थी, मैंने सब्वे खाया था. कुछ गरम गरम खाने का मन कर रहा है लेकिन अभी एक घंटा रुक के, एक घंटे तक मैं सर्वाइव कर सकती हूँ इसके साथ. उसके बाद देखते हैं और क्या ढूंढते हैं यहाँ पे इस सिटी में करने के लिए. जनरल व्यू ऑफ पीपल, वीकेंड है, सब लोग चिल मार रहे हैं, रिलैक्स्ड, हैप्पी, नो लड़ाई नो झगड़ा. मैंने यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी निकलते हुए देखी, इतनी तैयार हुए, कोई नहीं देख रहा, कोई ऐसी बात नहीं है. ऑल सेफ, ऑल परफेक्ट, यू नो लाइक गुड वेदर, गुड पीपल एंड गुड फूड आई मस्ट से. ये बात अलग है कि अब उनके पास, बेचारों के पास, मेरे लिए वेजिटेरियंस के लिए यू नो जो बहुत ज़्यादा खाने को लेके चूजी होते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, बट एल्स दे हैव अ गुड चॉइस ऑफ फूड. एक्चुअली होता क्या है, करने को बहुत कुछ मन करता है लेकिन थकावट की वजह से कभी कभी ना शॉपिंग भी समझ नहीं आती कि क्या लेना है, कि कुछ भी खरीदो, उसको ट्राई करो, उसको लगा के देखो, उसको पहन के देखो, इट्स टू मच. ये एक यहाँ की शॉपिंग मॉल है, आई एम डन विद शॉपिंग मॉल्स, आई एम नॉट गोना गो, मन नहीं है मेरा. अभी मैं सिर्फ एक ही काम करूँगी, कुछ छोटा सा बस खाऊंगी और जाते हुए एक पाउंडलैंड करके शॉप है यहाँ पे, दे सेल एवरीथिंग फॉर वन पाउंड. कुछ भी चूज कर सकते हो आप, लाइक टॉयलेट चीज होती हैं, घर का सामान होता है, विच इज चीपर या कभी कभी कुछ एक ब्रांडेड टॉयलेटरीज भी आपको मिल जाती हैं वहाँ पे वन पाउंड ईच में, सो दिस इज़ अ गुड डील. अभी मैं उधर की तरफ ही चल रही हूँ, प्रियंका इज स्टिल शॉपिंग, मैंने क्रेप्स खा लिए हैं एंड दैट्स इट. या सी लेट मी शो यू समथिंग. जो स्ट्रीट के ऊपर फन हो रहा है मुझे दिल करता है कि दिखाती चलूँ आपको साथ साथ में. सो लेट्स वॉक स्ट्रेट अहेड एंड आई विल टॉक टू यू गाइस. बजा रहे हैं, ड्रम भी बजा रहे हैं और पैरों से जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मुझे सबके नाम नहीं पता. डेफिनेटली somebody's tie is flying in the air. So cool. At once I thought it's like a statue, but it's not. Look. Oh my god, how is done that? Look at that. Yeah, he's standing here. Oh my god. This is super cool. Hey, sab gaana ga rahe hain. Like, ये लोग मांग नहीं रहे किसी से, they just show their talent and अगर कोई खुश होता है तो they have a cap or like something नीचे पड़ा होता है, उस पे लोग एक पाउंड या जिसका मन करता है छोटा बहुत चिल्लर जो भी होता है वो रख देते हैं to encourage them. कि वो और अपना टैलेंट जो है वो निखार रहे हैं अच्छे से. और या आज क्राउडेड है, वीकेंड है, सब लोग अपना मस्ती वस्ती यू नो घूमने फिरने में, पार्टीज एंड बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वीकेंड्स पे. कुछ ना कुछ तो आज भी हो रहा होगा, बट बिकॉज मैं तो वापस जा रही हूँ शाम को आज, तो आई डिडंट ट्राई टू वर्क इट आउट कि कहाँ जाना है. और वैसे मुझे गोरो का म्यूज़िक कहाँ समझ आएगा यार. चलते मैं आई हूँ प्राइमार्क, द बिगेस्ट स्टोर इन मैनचेस्टर. जितने भी प्राइमार्क हैं पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा प्राइमार्क मैनचेस्टर का यही वाला है. इट हैज़ एवरीथिंग, आदमियों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, क्लोथ्स, होम एक्सेसरीज, मेकअप, शॉपिंग लाइक क्रेजी है. लोग आते हैं 100-200 pounds आराम से यहाँ पे खर्च करके जाते हैं, जूते, बूट्स, पता नहीं क्या क्या है. और कभी कभी इतने अच्छे ऑफर्स होते हैं यहाँ पे
कल मैंने एक बूट्स खरीदे हैं यहाँ से 1 pound में, ओरिजिनली 7 pound के थे, मुझे 1 pound में मिले। अभी मैं कॉस्मेटिक सेक्शन में जा रही हूँ क्योंकि आजकल मुझे मेकअप खरीदने का बड़ा भूत चढ़ा हुआ है, तो आई एम गोना गो स्ट्रेट नाउ। और कभी कभी ना यहाँ पे कुछ एक सेक्शन ये लगाते हैं क्लियरेंस लाइक लास्ट पीसेस, तो उसमें बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं। सो दिस इज द मेकअप सेक्शन, यहाँ से कल मैंने कुछ सामान खरीदा था, स्पेशली दिस वन पेपरमिंट फुट स्क्रब खरीदा था मैंने, ये स्क्रब बहुत अच्छा है, सो मे बी आई विल गेट अनदर वन। अभी कुछ एक और चीज़ें मैंने देखी थी कल यहाँ पे, मैं लेकिन मैंने ली नहीं थी, तो अभी मैं वो थोड़ी सी खरीदूंगी उसके बाद यहाँ से निकलूंगी। आफ्टर बिट ऑफ अ शॉपिंग अभी मैं पहुँच गई हूँ वापस एक जो ओपन स्ट्रीट है मैनचेस्टर में, वहाँ पे एक इंडियन मुझे खाने का सेगमेंट नज़र आया, तो मेरा मन किया कि कुछ अपना ही देसी खाते हैं यार, मेरे से तो बाहर का खाना कसम से बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो मैंने समोसा ढूंढा है यहाँ पे, तो ऑलरेडी एक माता जी यहाँ पे खाना ले रहे हैं, लुक एट दिस, देयर इज सम पकौड़ा समोसा कबाब्स एंड एवरीथिंग, तो मैं ट्राई करूँगी एक वेजिटेरियन समोसा, तो देखते हैं कैसा है। इट सेज ओवर हियर कि एक जो वेज समोसा है वो 1 pound का है, सो लेट मी जस्ट गेट दैट। या हाय, कैन आई जस्ट गेट वन वेजिटेरियन समोसा प्लीज फॉर 1 pound आई गेस। खाना दिखने में तो अच्छा लग रहा है, आई एम श्योर इट्स गोना बी ओके, क्योंकि मेरा तो बर्गर खा खा के यार मन पक जाता है कसम से। नॉट बैड, इस समोसे के अंदर आलू ही हैं पर खाली मैश पोटैटो वाले आलू हैं बस, पर अच्छा है एक्चुअली, बुरा नहीं है, इट्स टेस्टी। दिस इज आई थिंक टर्किश, राइट टर्किश, हेलो हाय, दिस टर्किश फूड या I wish yes. it. Ah, nice, nice. I'm vegetarian. Sorry, so. Vegetarian? Oh my yeah. God. I know, I'm not enjoying life. Thank you, guys. मीट खाने वाले ना बेचारे मेरे पे तरस करते हैं कि ये कैसे जीती होगी, घास फूस खाती है, सारा टाइम कार्बोहाइड्रेट्स खा के जीना पड़ता है तभी मोटी हो जाती हूँ, फ्रेंच फ्राइज पिज्ज़ा पास्ता, इसके अलावा बाहर आके कुछ वेजिटेरियन मुझे मिलता ही नहीं है। चलो यहाँ पे आपको कुछ म्यूजिक सुनाती हूँ। बर्गर के अलावा कुछ भी मिले अच्छा है, ऑनेस्टली दिस इज गुड। इतनी भूख लगी थी मुंह भर भर के खा रही हूँ। सामने वो पाउंड एंड शॉप है जिसके लिए निकली थी, सारी दुकानें घूमने के बाद अब फाइनली वहां जा रही हूँ। प्रियंका इज ऑलरेडी बिजी, आई थिंक आई कुडंट फाइंड हर, तो आई हैव टू मेक अनदर वीडियो विद हर talking about you know the topic I wanted to talk to her about, but anyway it was a nice day, I'll go do a bit of shopping and then see what next I do. All right people, ye tha aaj ka mera experience Manchester ka, ghum liya phir liya kha pi liya aur jo bhi maine dekha aap sabko saath mein ghumaya firaya aur dikhaya, aaj ke liye itna hi, is sunny day ko is beautiful atmosphere ko main karne wali hu miss big time and I'm sure aap bhi miss kar rahe honge already ki aap yahan pe mere saath kyun nahi the। चलिए खैर, आपको वीडियो के थ्रू ही सही कुछ जो भी दिखा पाई, मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके साथ चीज़ें जो शेयर करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है आप सबके साथ शेयर करके। सो चलिए दोस्तों, मैं कर रही हूँ अभी आपको बाय, क्योंकि मेरा जाने का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ अपने होटल में अभी वापस, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, निकलूंगी उसके बाद, तो तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, फिर मिलते हैं किसी और कंट्री में, किसी और देश में, किसी और जगह पे, जो भी वहां की चटपटी अच्छी बुरी जो भी बातें हम इकट्ठी कर पाएंगे डेफिनेटली एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।